नेचुरल लाइफस्टाइल प्रेजेंट्स प्राकृतिक जीवन शैली द्वारा रोगों से बचाओ। एक महल्ले के अंदर चार भाई लोग रहते थे, पड़ोसी रहते थे। तो जो सफाई सेवक रोज आते थे, अपना वो कूड़ादान डस्टबिन खाली करके ले जाते थे, वो चार दिन के लिए नहीं आए, छुट्टी पे चले गए। अब उनके घरों में चार दिन की गंदगी इकट्ठी हो गई। प्लीज कंसंट्रेट। तो चारों के घर में गंदगी चार दिन की इकट्ठी हो गई। एक के घर के अंदर काले रंग के कीड़े हो गए, दूसरे के लाल रंग के कीड़े हो गए, तीसरे के घर में सफेद रंग के, और चौथे के घर में बदबू हो गई। अब चारों पड़ोसी इकट्ठे हुए कि भाई परेशानी तो आ गई, तो कहने बाजार में चले गए। बाजार में जब गए, जो DDT बेचने वाले थे वो कहने लगे इसको ले जाओ और वहां छिड़क दो। जो अगरबत्ती बेचने वाले थे वो कहने लगे इसको ले जाओ वहां लगा दो। और जो कोई परफ्यूम सेंट असेंस इस तरह का इत्र बेचने वाले थे वो कहने लगे इसको ले जाओ वहां छिड़काव कर दो। वो सारा अपना अपना जिसको जो समझ में आया सामान लेके घर में आ गए और वो रोज इस्तेमाल करते गए। गंदगी को बाहर नहीं निकाला, गंदगी रोज बढ़ती गई। सफाई सेवक तो भी आ नहीं रहा, गंदगी रोज बढ़ती गई। और जो मटेरियल बाजार से खरीद के लाते थे, तरह तरह का DDT वगैरह, अगरबत्ती वगैरह, उसकी मात्रा भी बढ़ती गई। ठीक ऐसे ही ध्यान दीजिए, जब हम रोग को बाहर नहीं निकालते, रोग के कारण को नहीं जानते, गंदगी को इकट्ठा करते हैं, रोज ब्लड प्रेशर की गोली खाते हैं, रोज नींद की गोली खाते हैं, रोज शुगर की गोली खाते हैं, जोड़ों के दर्द की पेन किलर खाते हैं, और दिन प्रतिदिन, क्योंकि रोग के कारण को दूर नहीं किया, जिन गलतियों की वजह से रोग आया है उसको दूर नहीं किया, दवाई का की मात्रा भी बढ़ती जाती है। पहले 25 mg लेते हैं, फिर 50 mg की लेते हैं, फिर 100 mg की लेते हैं। अब ऐसा करते रहे। एक दिन क्या हुआ, उनको कोई सज्जन पुरुष मिले, मेरे गुरुजी जैसे। वो उनके कान में कहने लगे भाई क्यों बेकार में पैसे खर्चते हो, आप एक मेरी छोटी सी बात मान जाओ। क्या? आप अपने अपने कूड़ादान खाली कर दो, सफाई सेवक नहीं आ रहा कोई बात नहीं, थोड़ा अपनी मेहनत करो, थोड़ा अपना प्रयास करो, इनको खाली कर दो, ये किसी सामान की जरूरत नहीं है। उनमें तीन व्यक्ति जो थोड़ा मोटी बुद्धि वाले थे, इतना बड़ा बाजार, इतनी बड़ी बड़ी दुकानें, इतने बड़े बड़े कारखाने, और वहां दुकान पे इतनी ज्यादा भीड़ लगी हुई है, ये सारे बेवकूफ हैं क्या, ये सारे बंद नहीं हो जाएंगे अगर इसका इतना साधारण इलाज हो कि कूड़ादान खाली कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। उनमें से एक जो समझदार थे, बात को पकड़ने वाले थे, उन्होंने सोचा बात तो ठीक कह रहे हैं और अपनी बात कहने का कुछ ले भी नहीं रहे, कोई फीस नहीं ले रहे, कोई सामान भी नहीं बेच रहे, मानने में क्या दिक्कत है, करके देखने में नुकसान क्या है। तो उसने करके देखा, करके देखा, कूड़ादान को खाली किया, समस्या का समाधान हो गया। बाकी तीन कहने लगे अरे इसके घर में तो काले रंग के कीड़े हैं, इसके लाल, इसके सफेद, और इसके घर में बदबू, सभी को एक ही लास। ठीक ऐसे ही मैंने कल कहा यूनिटी ऑफ डिजीज, सारे रोग एक हैं, शरीर के अंदर गंदगी का रुकना।
और सारे रोगों का इलाज एक, शरीर को साफ सुथरा रखना, अंदर से बाहर से भी रखना है। हम बाहर से तो बहुत बढ़िया रखते हैं, अंदर कितनी ही गंदगी हो उसकी परवाह नहीं करते। रोग का कारण शरीर के अंदर फौरन मैटर विजातीय द्रव का रुकना और रहना। दूसरा, हमारी देह पांच तत्व से निर्मित है, सभी ग्रंथों में लिखा है। श्री गुरु ग्रंथ साहब में पांच तत्व का यह तन रचियो कह नानक मेरा नाम। पांच तत्वों का हमारा शरीर बना है, पांच महाभूतों का बना है, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी। पहला आकाश तत्व की जानकारी नहीं, कल बता चुका हूं। वायु तत्व की परवाह नहीं, सूर्य से कैसे लाभ लेना है इसकी तरफ ध्यान नहीं, और पानी कब पिए, कोई कह दे 20 गिलास रोज पानी के पियो, बिल्कुल गलत। अंदर से जब तक प्यास ना हो तो पानी ना पिए, नुकसान होता है। और चार तत्वों की कोई पूरी विशेष जानकारी नहीं होती, भोजन के बारे में खालो खालो के चक्कर में पांचवा पृथ्वी तत्व बढ़ जाता है। पांच तत्वों का बैलेंस बिगड़ना रोग, और पांच तत्वों का बैलेंस बढ़ना इलाज। ये कल की बात हो गई हमारी, अब आज बात शुरू करते हैं। प्राण शक्ति, प्राण शक्ति और रोग, हमारा अंदर का डॉक्टर कहाँ मौजूद है। आज विषय थोड़ा गंभीर हो रहा है, गहरा हो रहा है, ध्यान से समझना। हमारे शरीर का धर्म है स्वस्थ रहना, और स्वस्थ रहने के लिए शरीर का नियम है शुद्ध रहना। शुद्ध रहने के लिए हमारा शरीर अपनी रोज सफाई करता है, चार रास्तों के द्वारा, पेशाब का, पखाने का, पसीने का और श्वास का। ऐसे ही हम अपने घर में रोज सफाई करते हैं, पहले बता चुका हूं कि कूड़ादान को खाली कर देते हैं, और भी तरीके से। कभी कभी हम घर के मालिक हैं, अपने घर के, घर का मालिक ये फैसला लेता है कि भाई ये जो ऊपर ऊपर से हम रोज सफाई करते हैं ये तो ठीक है, लेकिन अब दो तीन महीने हो गए, अब स्पेशल सफाई करो। उस स्पेशल सफाई के अंतर्गत हम कहते हैं सोफे को उठाओ, ये बेड को उठाओ, नीचे से गंदगी को निकालना है। ठीक ऐसे ही इस शरीर के मालिक कौन है, हम इस शरीर के मालिक नहीं हैं। इस शरीर का जो मालिक है, बाहर तो वैद्य हैं, अंदर वैद्यनाथ हैं। जो अंदर वैद्यनाथ हैं वो फैसला लेते हैं कि भाई इसके शरीर के अंदर गंदगी बहुत इकट्ठी हो गई, चार रास्तों के द्वारा मल बाहर नहीं निकल पा रहा। गैस, तेजाब, चार चीजें हैं जी, गैस, तेजाब, बलगम और कब्ज। गैस, तेजाब, बलगम और कब्ज, किसी को पूछने की जरूरत नहीं मैं स्वस्थ हूं या नहीं। अगर चारों में से एक भी दिक्कत महसूस हो रही है, समझ लीजिए हम जो भोजन खा रहे हैं वो हजम नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा आगे चल के बताऊंगा। तो अंदर के बैद्यनाथ ये फैसला लेते हैं कि चार रास्तों के द्वारा गंदगी बाहर नहीं निकल पा रही, अब इसकी स्पेशल सफाई करो। कौन फैसला लेगा जी? अंदर का डॉक्टर, अंदर के बैद्यनाथ, जिससे आज मुलाकात होगी। अंदर ही बैठा है लेकिन मालूम नहीं वो कैसे कार्य कर रहा है। तो वो क्या फैसला लेगा कि इसका पांचवा रास्ता खोलो सफाई के लिए, जहां पहले के जो चार रास्ते हैं उनको तेजी से चला दो। वो सफाई कैसे होगी? नजला, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार, फोड़ा, फुंसी के माध्यम से।